Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 32, subject English class 6 और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 3 नवंबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में भी स्टूडेंट हम प्रोनाउंस को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं। बार बार नाउन की रेपिटेशन अच्छी नहीं लगती तो हम उसके स्थान पर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, लुक एट द टेबल बिलो एंड सर्कल ऑल द प्रोनाउंस। आपको प्रोनाउंस को सर्कल करना है। तो ये देखिए ही प्रोनाउन है, हाँ जी, तो इसको सर्कल करना है। गुड प्रोनाउन नहीं है, गुड एडजेक्टिव है, तो ये प्रोनाउन है, ये तो नहीं करना। पार्क भी नहीं है, नाउन है। बुक भी नाउन है, रिंग भी नाउन है। दे प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। पिन प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। इंडिया भी नाउन है, कार भी नाउन है। योवर्स प्रोनाउन है, गर्ल नाउन है, इट प्रोनाउन है, देयर प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, आवर्स प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है। बॉय जो है वो नाउन है, मनी भी नाउन है, और हिज क्या है, हमारा प्रोनाउन है, तो हमें सर्कल करना है। योवर भी प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है, देयर्स प्रोनाउन है, अस भी है, काउ नाउन है, कैट भी नाउन है, आवर प्रोनाउन है, और सी भी प्रोनाउन है। तो ये थे हमारे प्रोनाउन। अपने प्रोनाउन लास्ट वर्कशीट में भी किए थे कि जो नाउन के स्थान पे यूज़ होते हैं। तो जो सर्कल कर रखे हैं वो सारे प्रोनाउन हैं। सेकंड देखिए, पिक आउट द प्रोनाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आप इन सेंटेंसेज में प्रोनाउन को बताना है। सी इज ए रिच वुमन, तो इसमें प्रोनाउन क्या है, सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको सी लिख देना है। सेकंड में देखिए, वी वेंट विद दैम टू द मार्केट, तो इसमें कौन कौन से प्रोनाउन है, एक तो वी प्रोनाउन है और एक दैम प्रोनाउन है, तो आपको लिख देना है वी और दैम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट भी देखिए, आई हैव मिसप्लेस माई बुक, तो आई और माई क्या है, प्रोनाउन है, एक तो आई है और दूसरा माई है। डी में देखिए, दे नो अस वेरी वेल, तो दे प्रोनाउन है और अस प्रोनाउन है, तो आपको लिख देना है इस सेंटेंस में दे और अस, दो प्रोनाउन है। ये भी देखिए, हर मदर इज ए टीचर, तो हर क्या है, प्रोनाउन है, तो आपको लिख देना है हर इसमें प्रोनाउन है। इट इज़ ए सनी डे, तो इसमें देखिए स्टूडेंट ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, डम्मी सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ये किसी के स्थान पर ही है, तो यहाँ पर इट भी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्ड देखिए, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज भी करना है और फिर उसको फिल भी करना है। तो ये देखिए, द डॉग इज़ हंगरी, तो डॉग क्या है, इसमें नाउन है। अब आगे जब हम डॉग को यूज़ करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं। गिव ब्लैंक सम फूड टू ईट, तो गिव इट, इसे कुछ खाने के लिए दो, तो इट यहाँ पर डॉग है, लेकिन नाउन का रेपिटेशन नहीं करते, तो हमने क्या आएगा यहाँ पर, प्रोनाउन इट। आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, मैंने मेरी बुक जो है मिसप्लेस कर दी है, कहीं पर गलत स्थान पर रख दी है। कैन ब्लैंक बोरो योवर्स, कैन आप देखिए इसमें ही सी और आई, तो इसमें क्या है, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बुक, मैंने मेरी बुक मिसप्लेस कर दी है। कैन आई बोरो योवर्स, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, क्या मैं तुम्हारी उधार ले सकता हूँ। सी देखिए, माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं। हैव गॉन टू कोलकाता, अब पेरेंट्स के लिए क्या होगा, प्लूरल यूज होगा दे, दे, तो यहाँ पर आएगा दे, दे हैव गॉन टू कोलकाता। डी देखिए, अंकिता हैज़ लॉस्ट हर पर्स, अंकिता का पर्स जो है उसने अपना पर्स गुम कर दिया है। ब्लैंक, अब अंकिता क्या है, गर्ल का नाम है, गर्ल के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, सी। She cannot find, अब बैग के लिए क्या यूज़ करेंगे, find it। ठीक है, things के लिए और animals के लिए हम it pronoun यूज़ करते हैं। ये देखिए, blank think his this purse is blank, I think, मेरा विचार है, मैं आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्ट वाला स्थान खाली है। अस और हिम तो ऑब्जेक्ट वाली पोजिशन पे आते हैं, तो आई आएगा। आई थिंक दिस पर्स इज योवर्स, ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे योवर्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फोर्थ देखिए, फिल इन विद स्टेबल प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के स्टेबल प्रोनाउंस आपको फिल करना है। फर्स्ट है, ये सारे प्रोनाउन है, ही, इट, देम, देयर, हर, हिज, माई, सी, और प्रोनाउन जो है तीन तरह के होते हैं, वो आप कर चुके हैं। सब्जेक्ट वाली पोजीशन पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये आपको पता है तो आप इजीली फिल कर सकते हो। ये देखिए, ए देखिए, दीज आर ब्लैंक बॉक्स, गिव ब्लैंक बैक। अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक, एक स्टूडेंट जब इतने सारे ब्लैंक होते हैं तो एक बार आप बगैर सोल्व किए हुए सारे सेंटेंसेस को पढ़ लो, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस में क्या आएगा। दीज आर, अब इसमें देखिए यहाँ पर माई फिल कर देते हैं, दीज आर माई बॉक्स, ये मेरी बुक्स हैं। गिव देम बैक, इन्हें वापस दे दीजिए, क्योंकि बुक्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, देम आएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे प्लूरल के लिए इन सारे ब्लैंक्स में देखिए दम देम ही है और कोई नहीं है प्लूरल के लिए। तो फर्स्ट वाले में वन टू देम, सेकंड में बी देखिए, द कैट इज़ हंग्री, कैट जो है वो हंग्री है, भूखी है। गिव, अब कैट के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं एनिमल के लिए। गिव इट सम मिल्क। इज़ माई टीचर, प्लीज़ गिव ब्लैंक ए सीट, सी इज़ माई टीचर। ये चौथा ब्लैंक है, तो ये थर्ड था। सी जो है ये देखिए, ये सी इज़ माई टीचर, है मेरी टीचर। प्लीज़ गिव, अब ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लीज़ गिव हर ए सीट, कृपया उसको एक सीट दीजिए। ही इज़ माई ब्रदर, अब ही है मेल के लिए ही यूज़ करते हैं। अब देखिए उसके बारे में, तो ही हैज़ लॉस्ट, इसमें क्या आएगा, ही आएगा, तो ही देखिए कौन से ब्लैंक में, ये देखिए सिक्स, ही हैज़ लॉस्ट। और फिर हैट है, नाउन से पहले कौन सा पसेसिव केस आता है, ही जाएगा, हीज ये रहा देखिए, सेवन्थ पे आएगा, ही हैज़ लॉस्ट हिज हैट। बर्ड्स बिल्ड, अब बर्ड्स प्लूरल है तो इसमें पसेसिव केस प्लूरल वाला ही आएगा, देयर, और पसेसिव आएगा क्योंकि नेस्ट नाउन है, नाउन से पहले हमेशा पसेसिव केस आता है। बर्ड्स बिल्ड्स देयर नेस्ट इन ट्रीज, ठीक है। अब स्टूडेंट ये प्रोनाउन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप सबको इनके रूल पता होना चाहिए। तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट स्टूडेंट, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोनाउंस पे ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।